एक बार की बात है, रतनपुर नाम के गांव में मीठी अपने पिताजी उमेश और सौतेली माँ रमा के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाती। मीठी, कुएं से पानी लेकर आओ। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। रास्ते में धूप से बचने के लिए वो एक लीची के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान लीची के पेड़ की तरफ गया। लगता है इसको पानी की जरूरत है। मैं आज इसमें थोड़ा पानी जरूर डालूंगी। लौटते समय मीठी अपने घड़े से थोड़ा पानी लीची के पेड़ में डाल देती है। अब ये उसका रोज का नियम हो गया। जाते समय थोड़ी देर रुकती और आते समय थोड़ा पानी उसमें डाल देती। उसी पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। इतना ठंडा और मीठा पानी बड़े दिनों के बाद मिला है। एक दिन चुड़ैल ने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दोस्त बनाया जाए। बहुत दिनों से मैंने कोई इंसान नहीं खाया। और वो मीठी की हम उम्र लड़की का रूप बनाकर कुएं पर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मीठी। और तुम्हारा? अंबी। अंबी? अंबी तो खट्टी होती है। तुम मीठी और मैं खट्टी, मतलब मीठी खट्टी। नहीं, मीठी खट्टी नहीं, मीठी अंबी। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे, मुझे तो तुमसे बातें करके बड़ी देर हो गई। और जल्दी से घड़ा लेकर घर के लिए चल दी। थोड़ा सा पानी उसने लीची के पेड़ में भी डाल दिया। चुड़ैल बहुत दिनों से अकेली रह रही थी। उसे मीठी का साथ अच्छा लगा। वैसे मीठी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसे अपनी दोस्त बना लूं। ऐसे ही रोज मीठी और अंबी कुएं पर मिलती और ढेर सारी बातें करती, खूब हंसती खिलखिलाती। एक दिन, आज तो बड़ी देर हो गई, मीठी पानी लेने नहीं आई, क्यों ना उसके घर जाकर देखूं। ये सोचकर चुड़ैल मीठी के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा, मीठी, अभी तक तुमने बर्तन नहीं धोए और पानी भी नहीं लाई। बस माँ, खाना खाकर अभी बर्तन धोती हूँ। कब से खा रही हो? जल्दी उठो, बहुत काम है। खाना खाकर मीठी बर्तन धोने लगी। आज मैंने लीची के पेड़ में पानी भी नहीं डाला और ना ही अपनी दोस्त से मिल पाई। तभी चुड़ैल ने जादू से पूरे बर्तन एक मिनट में धो डाले। मीठी आश्चर्य से यहाँ वहाँ देख रही थी कि चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर गई और वापस आकर सोफे पर लेट गई। अच्छा, तो राजकुमारी आराम फरमा रही है। बर्तन कौन धोएगा? धुल गए। रमा को मीठी की आवाज भारी सी लगी। अच्छा, जादू से धोए हैं क्या? हाँ। अब झाड़ू कौन लगाएगा, कपड़े कौन धोएगा? तुम और कौन? अच्छा, तो मुझे जवाब देती है। ये कहते हुए रमा ने मीठी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। पर मीठी रोज की तरह रोई नहीं, तो रमा को और तेज गुस्सा आ गया। मारने के लिए आगे बढ़ी थी कि मीठी ने उसका हाथ पकड़कर गोल घुमाकर छोड़ दिया। रमा तेजी से गोल गोल घूमने लगी। कुछ देर तक घूमने के बाद रमा ने एक बार फिर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार एक धक्के में रमा घर के चारों कोनों में टकराई और फिर एक कोने में जाकर गिर पड़ी। अब जाकर कपड़े धो। जाती हूँ। वो आराम से सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा कपड़े धोकर कमरे में आई। जाओ, जाकर झाड़ू पोछा करो। रमा कुछ बोलने ही वाली थी कि मीठी की लाल लाल आंखें देखकर डर गई। लगाती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ। इतने में मीठी के पिताजी आते हैं।
उन्होंने पहले कभी रमा को काम करते हुए नहीं देखा था। रमा, तुम काम क्यों कर रही हो? मिठी कहाँ है? रमा जोर जोर से रोने लगी और उंगली से इशारा किया जहाँ मिठी आराम से लेटी हुई थी। मिठी, मैं क्या देख रहा हूँ? मिठी के पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं, पर मिठी को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। ये देखकर मिठी के शरीर में घुसी चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। उमेश समझ जाता है कि मिठी पर चुड़ैल का साया है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? तभी चुड़ैल मिठी के शरीर से निकलकर लहराती हुई सामने खड़ी हो गई और गूंजती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अंबी हूँ। क्या कहा? अंबी मतलब लीची वाली चुड़ैल? हाँ, और मीठी मेरी दोस्त है। तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। उमेश और रमा डर के मारे थर थर कांपने लगे। हमें माफ कर दो अंबी, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं कसम खाती हूँ, मिठी को अपनी सगी बेटी की तरह ही रखूंगी। नहीं, तुम सब झूठे हो। अंबी को बहुत गुस्सा देखकर मिठी बोली, नहीं नहीं अंबी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, मेरे माँ पिताजी को कुछ मत करो। नहीं, इन्हें सबक मिलना जरूरी है। तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं फौरन आ जाऊंगी। और फिर उस दिन के बाद से रमा ने कभी मीठी को तंग नहीं किया। शिक्षा, हमें किसी के भूलेपन या मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए।